भाऊ काय सांगाल, जबाबदारी वाढलेली आहे, इकडे कॅमेराकडे पाहू, जबाबदारी वाढलेली आहे, काय सांगाल? सर्वप्रथम मी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी साहेबांचा आभार व्यक्त करतो की माझ्यासारख्या एका सामान्य शेतकऱ्याच्या पोराला अखिल भारतीय काँग्रेसच्या शेतकरी आणि शेतमजूर संघटनेचा राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यांनी केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे एक मोठी जबाबदारी माझी वाढलेली आहे. पण त्या जबाबदारीमध्ये मी यशस्वी होईल, कारण की जेव्हाचं नरेंद्र मोदीचं सरकार या देशात आलं तेव्हापासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढत चालल्या. शेतकऱ्यांना जे काही आश्वासन निवडणुकीच्या पूर्वी आणि सरकार आल्यानंतर नरेंद्र मोदी दिले ते त्यांनी सांगितलं की ते जुमले होते आणि आम्हाला शेतकऱ्यांसाठी काम करायचं नाही अशा पद्धतीची भूमिका नरेंद्र मोदीची राहिली आणि त्याच्यामुळे देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या अपेक्षितपण त्याला सकारात्मक पद्धतीनं त्याला पूर्ण करेल असा माझा विश्वास. जिम्मेदारी बढ़ गई है, किस तरह से आप अगले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो मुझे एक जवाबदारी दी है, जो अखिल भारतीय किसान और मजदूर इसकी एक अध्यक्ष की एक जवाबदारी दी, इसमें बड़े बड़े जो देश के दिग्गज नेता थे जिसमें राजेश पायलट, बलराम जाखड़ और ऐसे कई बड़े दिग्गज इस चेयर पे उन लोगों ने इस देश के लिए काम किया है, ऐसे एक जवाबदारी का कुर्सी मुझे माननीय राहुल गांधी जी ने दिया है, इसलिए उनका मैं पहले शुरुआत से आभार व्यक्त करता हूँ. और मेरी जवाबदारी जो है, जो जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद किसानों की जो आत्महत्या बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जिस तरह से किसानों को मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमानित किया है, उससे किसान की आत्महत्या भी बढ़ी है. और जब से ये सरकार आई तब से हर साल जो दुष्काल की परिस्थिति पैदा हुई है और ऐसे ऐसे परिस्थिति में किसान की बड़े पैमाने में आत्महत्या बढ़ी है, किसान मजदूर की बढ़ी है. और हमारा एक जवाबदारी है कि किसान में आत्मविश्वास जगाना, मजदूरों में आत्मविश्वास जगाकर वो एक साथ लाना और सरकार के अत्याचारी व्यवस्था के विरोध में संघर्ष करना और उनको न्याय देना, यही हमारी जवाबदारी है. मुझे विश्वास है कि किसान हो या मजदूर हो, ये सब कांग्रेस के साथ आकर उनको न्याय की व्यवस्था हम निर्माण करेंगे, ये हमारी जवाबदारी है, उसको हम पूरी तरह से निभाएंगे. भारतीय जनता पार्टी इस तरह से किसानों को बर्बाद करने के लिए वैसे ही बेरोजगारों को ही बर्बाद कर चुकी है. और जैसे चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि केंद्र में सरकार आएगी तो 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे और राज्य में सरकार आई तो हर साल 5 लाख युवकों को रोजगार देंगे, और 2 करोड़ भी रोजगार मिले नहीं, 5 लाख भी रोजगार मिले नहीं, जो भी चल रहे थे वो भी बंद करने की व्यवस्था फडणवीस सरकार और मोदी सरकार ने की. अब जैसे चुनाव पास में आए तो उसके माध्यम से रोजगार मेला हुआ लेकर बेरोजगारों को इकट्ठा करने का एक कोशिश बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई है. भंडारा में जिस तरह से 2 दिन पहले 17,000 बच्चे और बच्चियां रोजगार के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई और जो सुविधाएं वहां उपलब्ध करा देना था वो सुविधा वो उपलब्ध नहीं करा सके और वहां पर पुलिस के माध्यम से उनको लंचा किया गया, उनको बल का वापर किया गया और रोजगार भी नहीं दिया. और ऐसे समय में कई रोजगार वहां कई बेरोजगार हो चुके, ये हमारे बेरोजगारों का अपमान करने का काम तो बीजेपी की व्यवस्था बीजेपी की सरकार करती है, इसका हम निषेध करते हैं. और उन्हें हमें बेरोजगारों को नौकरी देना नहीं तो लाठी भी मारने का अधिकार नहीं है. और ऐसा अगर बार बार बीजेपी करेंगी तो हम जैसे कि वैसा जवाब देने की ताकत भी कांग्रेस रखती है. और अब आपको पता होगा कि 4 महीने पहले
एक उप सचिव नाम का एक तृतीया अधिकारी भंडारा में आया और भंडारा में आने के बाद महिला बाल कल्याण का अधिकारी हूँ और मुझे नौकर भर्ती का अधिकार है और 127 बच्चों से करोड़ रुपए लेके यहाँ से भाग गया कलेक्टर ऑफिस में बैठ के। तो मेरा आरोप है कि इसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या हमारे जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ये उसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि 4 महीने से पैसे लेके भागने वाले आदमी को आज भी पकड़ा गया नहीं है और बेरोजगार भटक रही है। और ऐसे समय ना पालक मंत्री कुछ कर रहे हैं ना मुख्यमंत्री कुछ कर रहे हैं। हमारा आरोप है कि ये दोनों का भी इसमें संगन मत है और हमारे बेरोजगार को लूटने का काम ये कर रहे हैं। उस नकली अधिकार पकड़कर हमारे बेरोजगार के पैसे वापस देने का काम सरकार ने करना चाहिए, और नहीं तो पालक मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनको जिला बंदी की जाएगी।